इसका टूटने का खतरा भी नहीं है। ये भी टच स्क्रीन है। आजकल इस दफा हमारे साथ लैब में ऐसा टच स्क्रीन किया, अपना सेंसर के बगैर कोई भी नहीं खोल सकते। मतलब ये फिंगर के लिए मोबाइल टूटने का खतरा भी नहीं है। कोई टच स्क्रीन है। 11 जनरेशन डेल 7320 मॉडल है, i5 11 जनरेशन 8256 नेट क्लीन मशीन। 11 जनरेशन बॉर्डरलेस में जी, बड़ी ही प्यारी मशीन। ये है असूस का 10 जनरेशन नेट क्लीन मशीन है, 15/6 में 10/10 माने बहुत खूबसूरत। अगर आप रेट का ऑल पाकिस्तान चैलेंज है, अगर किसने 10 जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 85 का 360 में आता है, वो कम से कम 13 इंच में आता है। ये 17 इंच में 360 है। टच स्क्रीन इसके भी डबल स्क्रीन है सन भाई, टूटेगा नहीं, टूटने का खतरा नहीं है। सब कुछ लोग एप्पल जैसे बैट स्पीड अमेरिकन ब्रांड है, बिल्कुल सब कुछ एप्पल 19-20, लेकिन इसका नाम है बैट स्पीड। i5 8 जनरेशन है, 8GB 256GB। ये है क्रोमबुक प्ले स्टोर वाला, प्ले स्टोर सपोर्ट है। इसमें जो सा काम करने है, पबजी, फेसबुक, टिकटॉक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम, जो काम करने इस पे हो जाए। ये टच स्क्रीन वाला है, बिल्कुल नेट क्लीन मशीन है। सीट है बिल्कुल 10/10 नेट क्लीन मशीन, और बैटरी टाइम सेम वैसी होगी, सेम दोनों का सेम। नावो का क्रोमबुक 360 टच स्क्रीन वाला है, वो 360 नहीं था, ये 360 असल में। 1000 रुपए और कम किए, 14,000। और चार्जर देंगे साथ, चार्जर समेत आपकी वीवर के लिए। चार्जर इसके साथ नहीं आता असल में, सिर्फ आपकी वीवर आप कस्टमर किया जाएगा उसको चार्जर में हम फेवर दूंगे। ये है एचपी का 850 G7 मॉडल है, 16GB और 512। डेल का बादशाह, ये है प्रसिजन ग्राफिक वाला असल भाई। ये है जेबुक स्टूडियो, अच्छा एमडी पर प्रो, 4GB के कार्ड लगे हुए एमडी पर प्रो, ठीक है। डेल प्रसिजन में, और ये जो है जेबुक स्टूडियो में, जेबुक स्टूडियो में, ये दोनों मुकाबले में असल भाई। अगर कोई नॉलेज रखते हो ग्राफिक का काम करते हो, डेल 7510 i7 6 8 1 2 5 GB, 2GB ग्राफिक इसमें लगा हुआ है। जो एचपी जेबुक में उसमें 4GB लगा हुआ, इसमें 2GB लगा हुआ है। i5 8 जनरेशन 16256 बैर के स्पेक से कोई चेंजिंग मेंजिंग नहीं असल भाई, ठीक हो गया बिल्कुल। 15/6 नेट क्लीन मशीन, 10/10 असल भाई। युगा 260 8GB 128 M2 लगा हुआ, बिल्कुल 180 डेट वेट मशीन है, देखो ठीक हो गया। फिंगर लॉक लगा हुआ है, चार्जर दूंगा। कोर आई में कौन सा? i5 6 जनरेशन, ये भी टच स्क्रीन है। आजकल इस दफा जो हमारे साथ आया हुआ, देखो असन भाई, इसमें फेस लॉक भी लगा हुआ है, ठीक है ठीक हो गया। फेस लॉक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, 240G2 है, i5 6 8256। ये भी हाइब्रिड, इसमें डुअल ऑप्शन है, ये भी हाइब्रिड। ये सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा असन भाई 45,000 रुपए। मजे का बात है, कीबोर्ड भी टच है, लैपटॉप कीबोर्ड टच में, 360 टच है, पेड पेड की तरह इस्तेमाल करना है, लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब खैर होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है जी। हमने खान लैपटॉप हाउस पे काफी वीडियोस बनाई हैं, तो आज हम मौजूद हैं खान लैपटॉप हाउस पे जी, पिंडी और इनकी ब्रांच पे, तहसीर भाई के पास। तहसीर भाई, सबसे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स को अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, उनको लाहौर की ब्रांच का पता है, तो जो पिंडी की ब्रांच है इसकी लोकेशन बता दें। मेन मरी रोड चांदनी चौक नज़्द अल खिदमत राजिया अस्पताल, राजिया अस्पताल के साथ होंडा का शोरूम, होंडा शोरूम के सामने ओल्ड शाइन प्लाजा, ऑफिस नंबर 3। तो एक आधा कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, 0304-00-91-509। दूसरा नंबर देता हूँ, 0335-71-74-74। ठीक हो गया। तो तस्वीर पे मुझे बताएं कि आज आप हमें कौन सी जनरेशन के लैपटॉप दिखाएंगे और प्राइसेस कहाँ से लेके कहाँ तक हैं? 6 जनरेशन से लेके असन भाई 11 जनरेशन तक हमारे साथ फिलहाल अभी मौजूद अवेल है। तस्वीर भाई, सबसे पहले कहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे, कौन सा लैपटॉप दिखाएंगे? देखो असन भाई, हमारे साथ स्टॉक आया हुआ है क्रोमबुक का, पहले शुरू करता हूँ क्रोमबुक से असन भाई, ठीक हो गया। देखो ये है क्रोमबुक, ठीक है, प्ले स्टोर वाला, प्ले स्टोर सपोर्टेड, 4/32 HP का, अच्छा बिल्कुल नेट क्लीन। तो सर इसकी बैटरी टाइमिंग और इसका मुझे बताएं कि तकरीबन कितनी निकालती है, और सॉफ्टवेयर का बताएं कि अपडेट हो जाता है कि नहीं? ये हो जाते हैं प्ले स्टोर वाले, इसमें जो सा काम करने है, पबजी, फेसबुक, टिकटॉक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम, जो काम करने इस पे हो जाएगा, ये प्ले स्टोर वाला है। मतलब इसके अंदर हर किस्म का काम, हर किस्म का काम हो जाएगा। और बैटरी टाइमिंग क्या होगी? बैटरी टाइमिंग इसका बहुत बेस्ट है, इसका लिथियम बैटरी लगा हुआ है, 2 घंटे हमारा तरफ से वारंटी निकालेगा, 5 से 6 घंटे। अमेजोन या कोई कॉलिंग सेंटर लॉन्चिंग पे जो कुछ चलने इसमें हो जाएगा, मतलब जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त A1। ठीक हो गया। तो इसकी प्राइस क्या देने जा रहे हैं? ये असन भाई आपको व्यूवर के लिए मिल जाएगा 10,500 का। नहीं भाई जान, ये तो मुझे पता ना, मेरे व्यूवर्स ने काफी वीडियो देखी हुई है, काफी लोग वीडियो वगैरह बता रहे हैं और रेट वगैरह, लेकिन रेट आपने स्पेशल कम करने हैं क्योंकि हम लाहौर से चला आपके पास पिंडी आए हुए हैं। असन भाई अगर आपकी व्यूवर के लिए ये मिल जाएगा 10,000 रुपए का, फाइनल कर दो, चार्जर हमारे तरफ से आपको फेवर, इसके साथ चार्जर नहीं आता है असन भाई, 9,500 डन करें, क्योंकि काफी वीडियोस में लोगों ने 9,000 भी रेट दिया, किसी ने 8,500 दिया हुआ है, चार्जर के साथ काफी चीजें, और मतलब हर बंदा दे रहा है, तो आपने कितने में बस फाइनल कर दें? असन भाई मैं बम्पर प्राइस दूंगा आपकी व्यूवर, आपके कस्टमर के लिए मिल जाएगा 9,000 रुपए का, सिर्फ 9,000 रुपए आपकी खातर, 9,000। ठीक हो गया, डन करते हैं जी, डन करते हैं। इसके बाद शुरू करता हूँ
हसन भाई इसमें दो किस्म के, एक ये वाला है। अच्छा, ये इसके में क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है? इसमें है ब्लू पेन चार्जर, ठीक है, ब्लू पेन चार्जर, और इसको लगता है हसन भाई सी टाइप चार्जर। अच्छा, टाइप सी, ये न्यू वर्जन में फिर आया, न्यू वर्जन में टाइप सी का चार्जर, थोड़ा सा उसका चार्जर है 1200 रुपए का, इसका चार्जर है 2500 रुपए का। अच्छा, ये सीट एपल है। तो ये कितने का देंगे आप हमें? ये आपको मिल जाएगा 12000 रुपए का। ना कर यार, ये टच स्क्रीन वाला है, टच स्क्रीन वाला। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर ले, ये देखो बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है, सीट है बिल्कुल 10x10 नीट क्लीन मशीन, और बेड टाइम सेम वैसी होगी, सेम दोनों का सेम, ठीक हो। देखो ये मैंने अपना जीमेल लगा हुआ है। अच्छा, ये आपका जीमेल भी लगा हुआ है? ये हैक ना कर लूं मैं, फिर क्या करेंगे यार। अच्छा, तो इसकी कीमत आपने 12500 दी है? 12500, थोड़ा सा कम कर लेंगे। चलो हसन भाई, सी टाइप चार्जर आपकी कस्टमर, आपकी व्यूअर के लिए हमारे तरफ से फेवर 2500 रुपए के चार्जर वो फेवर आपको दे दूंगा। चले जी, 12500 में बता रहे हैं चार्जर के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब चलते हैं थोड़े से बड़े लैपटॉप की तरफ, ठीक है, वो क्रोमबुक में एक और किस्म का दिखाता हूं हसन भाई। अच्छा, ये चेक करेंगे, ये है क्रोमबुक हसन भाई, ये है लेनोवो का क्रोमबुक 360 टच स्क्रीन वाला है, वो 360 नहीं था, ये 360 है असल में। अच्छा, इसको बंद करने के बाद इसका कीपैड जो डिसेबल हो जाता है, बंद होता है, कोई काम वर्क नहीं करेगा, मतलब आपका मर्जी, काम करने काम करो, इधर से काम कर दे लोग, फिर इधर से यूज नहीं होता है। अच्छा, अगर आईपैड बन गया फिर इधर से यूज नहीं होते, लोग यूज नहीं कर सकते, फिर टच यूज करो असल में, ठीक हो गया। और इसका सीधा करेंगे तो लैपटॉप पे जो लैपटॉप बन जाएगा, लैपटॉप ही लैपटॉप, टेप भी टेप, टाइम दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। तो सर इसकी क्या कीमत देंगे? ये आपको मिल जाएगा हसन भाई, वैसे मार्केट का रेट है इसका 20-22 हजार रुपए, सिर्फ आपकी व्यूअर आपकी कस्टमर के लिए मिल जाएगा 15000 रुपए का। 15000 रुपए देख लो आपके लिए हसन भाई, थोड़ा सा इसमें प्यार मोहब्बत गुड़ डाल के 1000 रुपए और कम किए, 14000 14000 करते। और चार्जर देंगे साथ? चार्जर समेत आपकी व्यूअर के लिए, चार्जर इसके साथ नहीं आता हसन भाई, सिर्फ आपकी व्यूअर आप कस्टमर किया जाएगा उसको चार्जर में हम फेवर दूंगे। डन हो गया, डन करते। अच्छा, इसके बाद अपना बड़े लैपटॉप, बड़े लैपटॉपों के पास जाता हूँ हसन भाई, इसमें जाता हो एचपी में, ठीक है, नए लोगो, न्यू लोगो, एचपी 10th जनरेशन। वाह, 10th जनरेशन 6 भी हमने दिखाया, उधर से शुरू करता हूँ। अच्छा, उधर से शुरू करते हैं, देखो 850G7 16256, ये कंपनी के हसन भाई देखो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चेंजिंग वेंजिंग इसमें नहीं है, ठीक है। ये है एचपी का 850G7 मॉडल है, 16GB और 512, ठीक है, इसको ऑन करके थोड़ा चेक करवा दें। देखो हसन भाई, बड़ी जरूरत इसकी बॉर्डर टाइप, जो पुराना मॉडल है हसन भाई, जो पुराना मॉडल है उसके इधर लगा होता है आपका बटन, देखो इसके कीबोर्ड में लगा हुआ, देखो। अच्छा, कीबोर्ड में लगा हुआ, कीबोर्ड ये लेटेस्ट मॉडल है, देखो ये है 10th जनरेशन फिंगर लॉक बिग लाइटिंग कीबोर्ड, ये फिंगर लॉक है, ये फिंगर सेंसर है, सेंसर मतलब फिंगर लॉक है, फिंगर, देखो ऑन हो गया हसन भाई, बॉर्डरलेस है। अच्छा, बॉर्डरलेस है, ये आप चेक कर सकते हैं ना कि बिल्कुल फ्रेम के साथ दिया, यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक है, जो भी मतलब ये वो दब ना जाए, शायद इतनी सी जगह से छोड़ी, बिल्कुल 0 मीटर हसन भाई, सिर्फ इसका डबल ही है, बिल्कुल देखो हसन भाई, नीट क्लीन मशीन, देखो बाहर का स्टिकर लगा हुआ है, बारकोड है, बाहर का बिल्कुल बाहर का स्टिकर। अच्छा, बाहर का। वैसे ये लाट किधर की होती है? ये लाट आया हुआ है, ये यूएसए का लाट है हसन भाई, बाकी यूएसए का होता है हसन भाई, इंग्लिश माल, एक होते जापानी माल, ये इंग्लिश माल, ये यूके का लाट है ये, जिसका जी प्रॉपर्टी द्वारा हमें जाके चेक करते हैं ना, इसको आपको अभी चेक करवा देते हैं। हसन भाई दर्जे को 10th जनरेशन 2.1 16GB 256, ठीक है, और ये जी आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रोसेसर मॉडल ये है यू अल्ट्रा, जो यू होता है अल्ट्रा पावर मोड होते हैं, बड़े जबरदस्त, इनकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही अच्छी होती है हसन भाई, बिल्कुल नीट क्लीन मशीन। सर कीमत क्या देंगे इसका? मार्केट में रेट है हसन भाई, मार्केट का रेट है 140-150, ये सिर्फ आपकी व्यूअर आपके लिए मिल जाएगा 130 का, 130 ऑल पाकिस्तान चलेंगे हसन भाई, थोड़ा सा गुड़ा पाकिस्तान, थोड़ा सा और गुड़ ना डाल दें, आपकी व्यूअर के लिए 2000 रुपए, जबरदस्त हो गया जी, मान लेते हैं जी 1/28 में डन करवा दिया जी। अच्छा, चार्जर साथ होगा? चार्जर साथ, टाइप सी है, दोनों का थे, टाइप सी भी लगते, दूसरे भी लगते, देखो टाइप सी भी लगते, ब्लू भी लगते, 2-in-1 है ये जी, ये भी लगता है और टाइप सी भी लगता है, दोनों इनको लगता है। USB 3.0 बिल्कुल नेट क्लीन मशीन है समझे, बिल्कुल साफ सुथरा, बॉर्डरलेस। अच्छा, मुझे बताएं कि डिलीवरी का क्या हिसाब होगा? ये टाइम पे पूछ लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी के हिसाब में हमारा पेमेंट है असम में एडवांस है, ठीक है, हमारा पेमेंट एडवांस है, फिर उसके बाद जो चीज लाएगी उसको TCS के थ्रू मिल जाएगा ऑल पाकिस्तान, ठीक है। और अगर कोई फिजिकल विजिट करना चाहता है तो वो, अगर कोई फिजिकल विजिट करना है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ,
अपने आंखों से देख लो। और जो ऑनलाइन मंगवाते हैं उनको वारंटी कितनी देंगे, और जो फिजिकल विजिट करते हैं कितनी वारंटी? जो असल में जो फिजिकली आते हैं उसके लिए 15 दिन वारंटी, जो ऑनलाइन मंगवाते हैं उसके लिए 1 मंथ वारंटी। 1 मंथ जो फिजिकली आते हैं खुद लोग इधर चेक करते हैं, जो हम बेचते हो उसको 10x11 बेचता हूँ। कौन सा 10x11 उसको, मतलब उसके अंदर कोई बात नहीं होती, कोई बात मत नहीं होगा। इसके बाद दिखाता हूँ असन भाई ये वाला, यार ये भी कोई नया लोग मुझे। ये है असन भाई दिल का बादशाह, ये है प्रसिजन ग्राफिक वाला। अच्छा देखो असन भाई इधर दिखा होते दिल प्रसिजन 55-10। इसकी जगह आप ऑनलाइन कीमत चेक करें और यहाँ पे भी आप चेक करते हैं। दिल प्रसिजन 55-10 i7 6 16 256 i7 6 16 GB रैम 256 NVMe इसमें लगा हुआ है। 16 256 ठीक है। ये ग्राफिक जो सब भाई ग्राफिक का काम करके ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उसके लिए बेस्ट है दिल प्रसिजन। तो सर इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ तकरीबन कितना, 2 GB है, 4 GB है, 1 GB? इसमें 2 GB भी आते हैं असन भाई, 4 GB भी आते हैं, इसमें 4 GB पहले आपको दिखे वो डेल प्रतिजन। अभी HP में दिखाता हूँ ZBook। ठीक हो गया असन भाई, ये है ZBook स्टूडियो। अच्छा अच्छा स्टूडियो इसमें एक आता है असन भाई G15, ये है ये वाला जो है ZBook स्टूडियो G17 मॉडल, G4 है जो पहला वो आता है, G15 वो G3 में आता है, ये जो है G4 में। असन भाई इसमें AMD के प्रिपेयर लगा हुआ है। देखो असन भाई इंटेल कोर i7 7th जनरेशन 2.7 2.9 16 GB और 512 SSD लगा हुआ है। असन भाई 512 200 और 100। और यहाँ पे इसके अंदर कार्ड कौन सा लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है AMD के फायर प्रो, सबसे लेटेस्ट कार्ड लगा हुआ है। असन भाई देखो, असन भाई देखो इसमें AMD का लगा हुआ है, देखो। ठीक हो गया, ये जो मॉडल है आप चेक कर सकते हैं AMD का जी फायर प्रो TM, देखो AMD फायर प्रो 4 GB का कार्ड लगे हुए AMD पर प्रो। ठीक है, तो इसकी क्या कीमत है? इसका मार्केट में रेट है 150 ये सिर्फ असन भाई आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा 120 का, 120 का 120 का, एक 20 का। और गोल्ड डाल के असन भाई 1000 रुपए कम करेगा इसमें। 1000 रुपए यार, जो हमने डेल का दिखाया था वो कितने का? डेल का प्रतिजन है 130 125 आपको मिल जाएगा 110 का, 110 1,10,000 रुपए। ये असन भाई ये जो है ये दिल प्रतिजन में, और ये जो है ZBook स्टूडियो में, ZBook स्टूडियो में ये दोनों मुकाबले में असन भाई। ठीक हो गया, दिल और HP। अच्छा इसके बाद कौन से दिखाएंगे? इसके बाद दिखाता हूँ असन भाई एक और ग्राफिक वाला मशीन है प्रतिजन 75-10 में, ये वाला मशीन। यार जो हमने पहले जो दो दिखाए हैवी काम वगैरह, वो हैवी काम के लिए भी, हैवी काम के लिए। ठीक हो गया जी, ये बाकी हैवी काम के लग रहा है। असन भाई ये जो है देखो डेल का, अगर कोई नॉलेज रखते हो ग्राफिक का काम करते हो, डेल 75-10 i7 6 8 1 2 5 GB 2 GB ग्राफिक इसमें लगा हुआ है, जो HP ZBook में 4 GB लगा हुआ है, इसमें 2 GB लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट में इसका रेट है 1 लाख, ये सिर्फ आपके कस्टमर के लिए मिल जाएगा असन भाई 85 का। 2 GB कार्ड बताया, 2 GB कार्ड बताया, NVIDIA का लगा हुआ है, AMD का लगा हुआ है, AMD का लगा हुआ। ठीक हो गया जी, बड़ा ही जबरदस्त है। जैसे रेट वाले ने काफी जबरदस्त दिया, लेकिन इंशाल्लाह आपको ना गोल डाल के थोड़ा सा और मीठा कर देंगे, रेट कम हो जाएगा। असन भाई बस सिर भाई आपने रेट अच्छे देते हैं ना, बस बेफिक्र हो जाओ। असन भाई किधर से शुरू करूं? बस ये आपने दिखाने लैपटॉप को, छोटे भी दिखाए बड़े भी दिखाए। असन भाई 11th जनरेशन, इतना छोटा 11th जनरेशन डेल 7320 मॉडल है, i5 11th जनरेशन 8 256। इसको खोल के चेक करवाएं, प्यारा सा यार, बड़ा जबरदस्त। ये जो है ये सेंसर वाला है। अच्छा देखो ये सिर्फ उंगली टच हो गया, ऑन हो गया, देखो ये प्रेस नहीं करना पड़ेगा, नहीं प्रेस खाली टच करो, सिर्फ टच करना है यार। ये है असन भाई 11, देखो मैंने स्पेक्स लिखा हुआ है असन भाई, ये चेक 11th जनरेशन 8 256 i5 बिल्कुल नेट क्लीन मशीन। i5 11th जनरेशन बॉर्डरलेस में जी, बड़ी ही प्यारी मशीन है। और इसके अंदर जी विंडो 11 में खाली प्रो की विंडो में, ये लेटेस्ट विंडो है, ये विंडो बाहर का आया हुआ है, सिर्फ इसमें $300 का विंडो होगा सब। ये चेक कर सकते हैं i5 11th जनरेशन 2.4 बहुत आला जबरदस्त लैपटॉप यार, मुझे ये वाला बड़ा पसंद है। इसकी बैटरी टाइमिंग बिल्कुल नेट वेट, इसका बैटरी टाइमिंग है दो घंटे हमारा तरफ से वारंटी, असन भाई निकालेगा 5 से 6 घंटे। इसका स्क्रीन से छोटा है इसलिए इसका टाइमिंग, ये क्या कहते हैं एडिटिंग और इस पे कर सकते हैं, ये बेस्ट एक होता है, मुझे इतना पता है वर्किंग के लिए बेस्ट है, प्रोफेशनल मशीन है, 24 घंटे चलाओ असन भाई। मुझे इतना पता है कि यार जो 11 जनरेशन ना पूरा फाइव में काम बहुत जबरदस्त तगड़ा काम, सेंसर वाला मॉडल नोट करो असन भाई, देखो ये मॉडल है इसको 7320 इसको बंद करना,
बिल्कुल लाइट वेट बुक की तरह। ये चेक करेंगे, यकीन माने इंतहाई लाइट वेट है, और ये चेक कर सकते हैं इसको, कहते हैं ना कि बिल्कुल पेपर टाइप का है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले की तरफ, लेकिन इसकी कीमत आपने बता देनी है। ये हसन भाई, ये सिर्फ आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। ना करो यार, मार्केट का रेट है हसन भाई 120 प्लस रेट है मार्केट में। तो यार जितना होलसेल का प्राइस, क्वांटिटी का रेट है, मैंने परचून एक पीस आपको मैंने रेट दिया कितना, 1 लाख 1 लाख। इसके अंदर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, ये सिर्फ मैंने आपके व्यूअर के लिए बताया हसन भाई, थोड़ा बहुत और इसके अंदर चार्जर हमारे तरफ से फेवर। इसको ब्लूटूथ सी टाइप चार्जर लगता है, टाइप सी का लगेगा, टाइप सी चार्जर लगता है, टाइप सी का लगेगा ये चार्जर, सिर्फ आपके व्यूअर के लिए हसन भाई चार्जर फेवर हमारी तरफ से, लेकिन इसका चार्जर नहीं आता हसन भाई। डन हो गए जी। अच्छा, इसके बाद किसकी तरफ से लेंगे? इसके बाद चले जाता हूँ हसन भाई, कौन से जनरेशन पे चले जाओ? मैं थोड़ा सा इस साइड पे आता हूँ, और हसन भाई एक और सिस्टम दिखाता हूँ। हाँ जी, चेक करो। ये असूस का 10th जनरेशन है। अच्छा, असूस का 10th जनरेशन, असूस का 10th जनरेशन यार, को असूस 10 से नीचे भी आना है कि 10th ही रहेगा हसन भाई? स्टेप स्टेप स्टेप। हाँ ठीक है, ठीक होगा जी। आज हम उल्टा चलते हैं जी, हम बड़े से 10, 9, 8 सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है हसन भाई, ये जो है ये वाला, ये है असूस का 10th जनरेशन। मैंने स्पेक्स लिखा हुआ, देखो हसन भाई, असूस i5 10th जनरेशन 8256 15/6 बिल्कुल लेट नीट क्लीन मशीन है, 15/6 10/10 बहुत खूबसूरत। अगर आप फिनिशिंग चेक करें, कीबोर्ड की तरफ अगर आते हैं, मेरे जैसे बंदा इसके ऊपर ना वैसे फायदा होगा। तो हसन भाई, जो हैवी मॉडल आता है 8 जनरेशन प्लस, उसका सारा मॉडल लेस आता है, देखो ठीक हो, ये 2K उसमें, पर बहुत ही स्लिम है, बहुत ही स्लिम मशीन है। इसको अगर ऑन हो सकती है? ऑन हो सकती है। बैटरी वाला इसके अंदर देखें अगर है तो ठीक है, नहीं तो बस फिर एंड करते हैं इसको। इसके बाद दिखाता हूँ हसन भाई, इसकी क्या कीमत है? ये आपकी भी असल में इसमें काम नहीं करेगा, अभी बता दो, पहले से बता दो। नहीं यार, मैं काम करवाऊंगा असल में, काम नहीं करेगा। कितने कर देंगे? कितने? तुम हैरान हो जाएगा, मैं रेट बताता हूँ जी, बताएं। ये सिर्फ आपको कस्टमर के लिए, व्यूअर के लिए मिल जाएगा। कितना का हसन भाई? अब आप बताएं, बोलो कितना का? ये सिर्फ और सिर्फ 85 का। कितना का? 85 का रेट का ऑल पाकिस्तान चैलेंज है। अगर किसने 10th जनरेशन लेता, कोर i5 10th जनरेशन 15/6 का बॉर्डरलेस असूस कंपनी बिल्कुल सक्सेसलेस, अगर किसने, देखो 11 इसमें होगा समझे, अगर किसने आपको 85 का दिए रेट का ऑल पाकिस्तान से मोर रेट का। डन हो गया जी। मैं यकीन माने मुझे तो बड़ी मशीन पसंद आई है, अगर मेरे ऐसा बंदा पसंद कर सकता तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को पता है आप जिस तरह अपना काम वाला लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे छोटे मोटे काम के लिए बेस्ट हसन भाई 11th जनरेशन दिखाया, 10th जनरेशन दिखाया, अभी दिखाता हूँ हसन भाई 8th जनरेशन की तरफ। 8th जनरेशन चेक करवाएं जी, 8th जनरेशन असन भाई, ये है 8th जनरेशन न्यू लोगों के साथ। ठीक है असन भैया, बिल्कुल नीट क्लीन। अच्छा, ये कोर बता दिया करेंगे, कौन सी कोर? ये कोर असन भाई, देखो ये बैर का स्टिकर लगा हुआ है, देखो i5 8th जनरेशन 16256 बैर का स्पेक्स है, कोई चेंजिंग नहीं असन भाई। ठीक हो गया, बिल्कुल 15/6 नीट क्लीन मशीन 10/10 असन भाई। इसके अंदर SSD कौन सी लगी? इसके अंदर NVMe भी लगा हुआ है 256। इसमें डुअल ऑप्शन है, ठीक है, मतलब वो हार्ड ड्राइव भी लग सकती है, SSD लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। ठीक हो गया जी। असन भाई, ये है 15/6 i5 8 जनरेशन 16256, ये सिर्फ आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा। असन भाई कितना का? कितने का? 1,10,000 रुपए का असन भाई। थोड़ा सा ये 1,00,000, ये न्यू लोगों में 15/6 में G6 मॉडल है, इसमें आता है असन भाई G3 G4 G5 वो सस्ते है। ये है 15/6 में न्यू लोगों के साथ G6 मॉडल है, ये 1,10,000 का आपके व्यूअर के लिए। 1,80,000 हो जाएगा यार, इतना तो बनता है यार, मान लिया सब भाई, बहाना यार, इस तरह दिल खुश कर दिया करना यार, मान लिया सब भाई, मान लिया। मजीद हमारे व्यूवर जो कीमतें वाला देखेंगे, ऑनलाइन भी चेक करें, आप लोग भी जाके जरूर कीमतें वाला चेक करें, मुझे भी बताया करें। हसन भाई लिनोवो में फोकस देता हूँ। हाँ जी, लिनोवो की तरफ। लिनोवो यार बड़ी जबरदस्त तगड़ी मशीन है लिनोवो की भी। हसन भाई देखो, जो कस्टमर आसानी के लिए मेजर स्पेक्स, देखो सबके ऊपर स्पेक्स लिखा हुआ है, देखो ये कस्टमर आसानी के लिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जो पूछना चाहता है पसंद करते हैं। हसन भाई, ये है लिनोवो का, कौन सा? लिनोवो का L480 मॉडल, देखो हसन भाई, L480 ये लिनोवो का L480 मॉडल है हसन भाई। लिथियम बैटरी है, बिल्कुल नेट क्लीन मशीन है, लिनोवो L40 i5 7 8256, ये सिर्फ आपकी व्यूअर के लिए मिल जाएगा। कितना का हसन भाई? कितने का? 6th जनरेशन के रेट पे देता हूँ। कितना? 6th जनरेशन का, सिर्फ और सिर्फ यार 5800 का यार। वैसे 7th जनरेशन प्रोसेसर 55+ है सर भाई। कितना? बिल्कुल है, मैं मानता हूँ 55+ इतने का मार्केट होल सेल का प्राइस जो क्वांटिटी का रेट है, लेकिन आपने थोड़े बहुत असन भाई 500 रुपए कम किए। 500 रुपए ज्यादा नहीं हुआ। चार्जर वगैरह देंगे ना साथ? सब कुछ कंप्लीट चार्जर लगते हैं असन भाई, टाइप सी जो हैवी चार्जर लगता है। हमारा साथ जो है सारा हैवी मॉडल है असन भाई, इस दफा लड़ आया हुआ सारा हैवी मॉडल, सब कुछ लगता है असन भाई। देखो
सब कुछ ये टाइप चार्जर लगते हैं। ये टाइप सी के चार्जर यार कितने वाट पे टाइप सी के चार्जर तकरीबन? ये टाइप सी असन भाई टाइप सी चार्जर कम से कम अगर लो चार्जर भी हो कम से कम वो शुरू होते 2500 शुरू होते 7000-8000 तक चले जाते हैं टाइप सी। टाइप सी और ये कितने वाट का होता है तकरीबन? 19 वाट 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर छोटा सा छोटा चार्जर बिल्कुल मोबाइल का जो चार्जर। इसके बाद दिखाता हूँ असन भाई तुशिबा ब्रांड, तुशिबा ब्रांड चेक करवाएंगे असन भाई। ये है तुशिबा ब्रांड। अच्छा ये भी टच स्क्रीन है आजकल इस दफा हमारे साथ लाइव में ऐसा टच स्क्रीन किया असन भाई। अभी मैं चेक कराता हूँ देखो i5 इसका मॉडल है Z40 टेक्रा। कौन सा मॉडल है ये जी? टेक्रा लिखा हुआ Z40 बिग लाइटिंग कीबोर्ड है डुअल मोड असन भाई। इसमें सेंसर भी लगा हुआ है देखो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग ठीक हो गया। डिस्प्ले बड़ा जबरदस्त लगाया हुआ जी। अच्छा ये इसके बारे में जिसका सेंसर है असन भाई कोई किसका सॉफ्टवेयर है किसका ऑफिस वर्किंग है इसमें अपना सेंसर लगाओ अपना सेंसर के बगैर कोई भी नहीं खोल सकते वाला। मतलब ये फिंगर के लिए होगा मोबाइल के हमारे इसका लैपटॉपों में 100 में 10% आते असन भाई ज्यादा नहीं आता। ठीक हो गया आप चेक कर सकते हैं। और असन भाई इसका टूटने का खतरा भी नहीं है ना करो भाई मुझे डरा दिया असन भाई। ये टूटने का खतरा भी नहीं असन भाई देखो टच स्क्रीन है सॉफ्टवेयर करना असन भाई बात सुनो ये विंडो बैर के विंडो होते हैं अगर कोई कस्टमर ले लिए अपडेट करो ये खुद ब खुद अपना हालात पे आ जाएगा सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ठीक मैं पूछ कर रहा था असन भाई देखो कीमत दें यार जल्दी से और भी हमने चेक करवाने असन भाई। इसके रेट है मार्केट में जैसे अगर मार्केट से देने 45,000 रुपए का सिर्फ आपके चैनल के थ्रू आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा। कितना का असन भाई? कितने का? सिर्फ और सिर्फ टेक्रा रेट देना टेक्रा कम नहीं करेगा सर पहले से बता। ठीक है मान लेते हैं देने से रेट तो दें 35 का टच स्क्रीन मैंने 4th जनरेशन प्रोसेसर का रेट दिया असन भाई। कितना? और ये कौन सी कोर में? ये i5 6th जनरेशन देखो i5 6th जनरेशन का स्टिकर लगा हुआ i5 6th जनरेशन में 35,000 रुपए का असन भाई देखो ये टच स्क्रीन है। अच्छा माशाल्लाह यार स्क्रीन बड़ी जरूर i5 6 2.4 चार जीबी 8 जीबी आपको दे दूंगा। ठीक है और ये मिलने जा रहा है सर 35 का जी असन भाई। अभी दिखाता हूँ लेनोवो में दिखाता हूँ असन भाई इधर कैमरे नजदीक करो युगा 260 टच स्क्रीन ये चेक करें युगा 260 8GB 128 M2 लगा हुआ बिल्कुल 180 डेथ वेट मशीन देखो। ठीक हो गया फिंगर लॉक लगा हुआ है चार्जर दूंगा। कोर आई में कौन सा? i5 6th जनरेशन देखो i5 6th जनरेशन में है जी। और इसकी कीमत क्या होने जा रही है? कीमत असन भाई आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा असन भाई वैसे मार्केट में रेट इसका 50+ है ये आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा असन भाई। कितने का? कितने का? 38,500 का 38,500 का ये हमें मिलने जा रही है। 37,000 का 38,000 रुपए 37,000 का डन करते हैं। अच्छा इसके बाद कौन सा दिखाएंगे? इसके बाद दिखाता हूँ असन भाई यार ये डायना बुक कौन सी पड़ी हुई है? ये डायना बुक बड़ा आउट क्लास मशीन है बिल्कुल पेपर की तरह बिल्कुल लेट देखो ये चेक असन भाई बिल्कुल लेट वेट देखो यार ये वाकई लाइट वेट लेट वेट इसको लगा हुआ है पेपर एलईडी यकीन माने को 300 ग्राम इसका बमुश्किल वजन होगा असन भाई। ये भी टच स्क्रीन है आजकल इस दफा जो हमारे साथ आया हुआ देखो असन भाई इसमें फेस लॉक भी लगा हुआ है। ठीक है ठीक हो फेस लॉक लगा हुआ है कैमरा लगा हुआ है सेंसर लगा हुआ है ये भी टच स्क्रीन है ये भी चेक करवाते हैं देखो 8GB i5 8 8GB 256 बहुत अलग है सर। इसकी कीमत क्या होने जा रही है असन भाई? वैसे इसका रेट तो मार्केट में बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी व्यूअर के लिए कितना का मिल जाएगा असन भाई? सोच के ना बताना सही से रेट देना। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का 7th जनरेशन का रेट पे देता हूँ 8th जनरेशन ये कोर i5 में कोर i5 इधर मैंने स्पेक्स लिखा हुआ है ये जी मैं आपको देखो ये मॉडल लिखा हुआ है X30E i5 8 8256 और ये आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का 50,000 रुपए रेट इसमें जी आपको 1,000-1,500 छोड़ दें यार। जो आपका चैनल के थ्रू आ जाएगा असन भाई जरूर ना जरूर उसके लिए कम करेगा। ठीक हो गया जी जो भी लैपटॉप हमारे व्यूवर लेंगे इंशाल्लाह वो रेट इंशाल्लाह आपके साथ मजीद कम करेंगे। और अगर आपका रेट हाजिर मौके पे कम नहीं करेंगे मेरा नंबर भी चैनल के अंदर दिया हुआ है आपने फोन करना है कि भाई के असन भाई इसके बाद दिखाता हूँ करवा के दें। इसके बाद दिखाता हूँ एचपी का बादशाह 840 G3 ये G3 जो गन है सेम वैसा रेट होना चाहिए। असन भाई ये इसलिए
बेस्ट पॉपुलर इसमें ये हाइब्रिड, इसमें डुअल ऑप्शन है सन भाई। क्या मतलब डुअल? इसमें M2 भी लगा सकते हो, SSD भी लगा सकते हो, हार्ड भी लगा सकते हो, मर्जी SSD लगाना है हार्ड लगाना है। ये तो 3-in-1 हो गया, फिर 3-in-1 हो गया, लेकिन 2-in-1 है, 3-in-1 नहीं है। अच्छा ठीक है, कस्टमर का अपना मर्जी, SSD लगाना है हार्ड लगाना है। ठीक हो गया जी। असन भाई ये है 8GB 180 SSD के साथ, देखो असन भाई या 256 कर यार, ये क्या 180 बस 180 कर देगा, अभी इसमें 180 कस्टमर के लिए 256 का रेट दे दूंगा। 840G3 i5 6 8GB 256 ठीक है। ऐसे मार्केट रेट है 55,000-60,000 रुपए, सिर्फ आपके चैनल, आपके चैनल के थ्रू से आ जाएगा, उस पर मिल जाएगा असन भाई 48,000 रुपए का, 48,000 रुपए इंशाल्लाह होगा। कौन से लैपटॉप की तरफ चलते हैं? इसकी बात दिखाता हूँ, असन भाई इसमें दो किस्म के, अच्छा हाँ? ये 840G3 है, ये है असन भाई 640, दोनों एक ही चीज है, लेकिन वो एलर्ट में, ये प्रो में। अच्छा ये प्रो में, ये फिर तगड़ा लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बजट भी कम है। अच्छा बजट में कमरा तगड़ा भी होगा, तगड़ा भी है दोनों। असन भाई जो एलर्ट है वो सिल्वर में आता है, जो प्रो इस कलर में आता है, ग्रे और स्पेस कलर में आता है। ये है असन भाई, देखो ये 640G2 है, i5 6 8 256, ये भी हाइब्रिड, इसमें डुअल ऑप्शन है, ये भी हाइब्रिड, ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूअर, आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा सन भाई 45,000 रुपए का, 45,000 रुपए का, 3,000 रुपए का डिफरेंस है 840 और 640 में। ठीक होगा जी, मान लेते हैं, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा अब चलते हैं यार, कोई एप्पल के भी दिखा दें। असन भाई एप्पल का दिखाओ। हाँ जी, मैं एप्पल को किधर से शुरू करूँ, लो बजट से शुरू करूँ, ज्यादा बजट से शुरू करूँ? आपने लो बजट से शुरू कर देना, क्योंकि फिर हमने जानना है जी हाई बजट की तरफ फिर चलेंगे। पहले असन भाई हमारे साथ लो बजट में है i7 में। अच्छा यार डायरेक्ट i7 की तरफ चले, लो बजट की तरह, ये 15-6 में असन भाई, ठीक है? ठीक है, i7 4, देखो असन भाई i7 4GB 128 15-6 बिल्कुल नेट क्लीन मशीन असन भाई, बिल्कुल जबरदस्त। इसके अंदर रेटिना डिस्प्ले भी आती है? हसन भाई जो प्रो है वो सारे रेटिना में आते हैं। अच्छा ये रेटिना में, ये रेटिना में, ठीक हो गया। रेटिना वैसे शुरू होते 13+, ठीक है, 2013+ शुरू होते, लेकिन वैसे ये ऐसे में रेटिना आया हुआ है। ठीक है, तो कितने का देंगे ये? सिर्फ और सिर्फ वैसे रेट तो ज्यादा है मार्केट में हसन भाई, आपकी व्यूअर के लिए मिल जाएगा हसन भाई 32,000 रुपए का, 32,000 का ऑल पाकिस्तान जिम्मा, 32,000 रुपए। अगर किसने इस रेट पे दिए तो अमेजोन से फ्री ले लो, अगर इस रेट में देख लो, जुबान है ना, अगर ले लिया किसी ने तो उन्होंने फ्री भी लेना है। सुनो मॉडल नोट करो, i7 4GB 128 15-6 2011 लेट, कौन सा 2011 लेट, 12 में आता है, ठीक है, अंदर लोग 12 पे सेल करते हैं, वैसे लेट एक होते हैं मेड, ये लेट है, ठीक है, लेट 2011 दुकानदार लोग 12 पे सेल करते, 32,000 रुपए का सन भाई। ठीक हो गया, और कौन सा दिखा हुआ असन भाई, कौन सा लैपटॉप दिखाते चले आपने? एप्पल असन भाई अभी प्रो में दिखाया है, लो बजट में अभी दिखाता हूँ ईयर में। हाँ जी असन भाई देखो ये ईयर है, मैकबुक ईयर वो था प्रो 15 इंच में, ये है 13 इंच में ईयर, देखो ये थोड़ा सा स्लिम होता है, बिल्कुल ये स्लिम, असन भाई देखो स्पेक्स लिखा हुआ है, ठीक है ये जी आप मुझे चेक करवाएं पहले, ये देखेंगे बिल्कुल, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा, मुझसे ज्यादा पता नहीं के बारे में, मुझे इनका इतना नॉलेज नहीं है। असन भाई प्रो और ईयर में ये फर्क है, प्रो इंक्रीज होते हैं, ईयर फिक्स आता है कंपनी तरफ, फिक्स आता है 4x वोल्टाइज, जो प्रो होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, 4 को 8 कर सकते 8 को 16 कर सकते हैं, लेकिन ईयर इंक्रीज नहीं होते क्योंकि ये स्लिम भी होता है, बिल्टन होता है, ईयर और प्रो के डिफरेंस है, मैंने बताया होगा। ठीक हो गया, इसकी क्या कीमत है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरिन के लिए मिल जाएगा असन भाई 32 का, 32 का। स्पेक्स दोबारा बता दें, स्पेक्स है i5 4x28 2011 लेट, बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम। ठीक हो गया जी, 32,000 रुपए का सर, 32,000 रुपए का। इसके बाद कौन सा दिखाएंगे? इसके बाद दिखाता हूँ असन भाई 2017 पे चले जाता हूँ, 2017 पे आते हैं असन भाई, ये बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है, बिल्कुल 10 बाय 10। इसके अंदर ना ये व्हाइट लोगो और इसके अंदर ये सिल्वर लोगो, ये तो 2016 प्लस ये लोगो आते हैं। ठीक हो गया, ये ब्लैक लोगो आते हैं, ये देखो ये 2015 और ये जो इसके अंदर लाइट होती है, इसके अंदर लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती, न्यू मॉडल के अंदर लाइट नहीं होती। ठीक हो गया, देखो असन भाई इधर आ जाओ, थोड़ा सा नजदीक करो असन भाई, इधर देखो ये है 2017, कौन से 2017 16GB और स्टोरेज जो है एप्पल का फ्लैश हार्ड लगा हुआ 256 फ्लैश हार्ड। अच्छा जो इसकी अपनी ओरिजिनल होती है, अपना ओरिजिनल, ठीक, और असन भाई जो इसको लगता है वहां मैग्नेट वाला मेगा 2 लगता है, इसको जो लगता है असन भाई सिटी चार्जर, इसके चार्जर बहुत महंगे, इसका चार्जर है कम से कम 15,000-15 से लेकर 20,000 रुपए इसका चार्जर है। अगर 20,000 जिस कस्टमर को चाहिए 135 का चार्जर के बगैर, अगर चार्जर समेत लेना है असन भाई उसके लिए मिल जाएगा 140 का,
1,40,000 रुपए, 1,40,000 का, वैसे 1,35,000 का है यार। ऐसा करो ना, 1,35 में चार्जर कर देना साथ यार। असन भाई इसके चार्जर महंगे बहुत, चार्जर आपको मैं चेक कराता हूँ असन भाई, चार्जर भी चेक करवा दें। वैसे भी आपके पास लाट के आते हैं, तो यार एक आधी लाट में आप भी हाथ मार लिया करें, आपके पास चार्जर एक्स्ट्रा हो जाए करेंगे। असन भाई देखो ये इसका चार्जर है, अच्छा सीट है, सीट है, सीट है, टाइप सी, तो टाइप सी है, इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज। और असन भाई देखो सिर्फ ये, सिर्फ अगर किस नाजरीन किस कस्टमर को पते, सिर्फ ये केबल मार्केट में कितने के मिल जाते हैं, 5,000 से 6,000 रुपए केबल इसका, केबल 10,000 से 12,000 रुपए वो चार्जर। यार ये कौन लोग हैं इतने महंगी महंगी चीजें लेते हैं, सीट एप्पल है, मैं हैरान हूं। 65 वाट असन भाई, कितना 65 वाट का, 65 वाट ठीक हो गया जी। चले इन्होंने कीमत बताई है, बाप लोगों ने जरूर बताना कि फीडबैक में प्राइस वगैरह कैसे हैं इस लैपटॉप की। यार इसके बाद कोई है और को एप्पल का असन भाई इसमें आता है, फिर ये 2017 इसमें आता है असन भाई, दो दो किस्म का, एक है ये भी प्रो है, ये फिर रिटर्ना स्क्रीन वाला जो पहले आपने जिक्र किया, रिटर्ना स्क्रीन। हाँ जी ये चेक करेंगे, इसका कोड वगैरह डालते हैं और ये जी चेक करवाते हैं, ये भी आपको ऑन करें। असन भाई देखो ये रिटर्ना स्क्रीन वाला जो पहले वीडियो में आपने जिक्र किया, रिटर्ना 2013 लेट, ये 14 में आते, ठीक है, 8 GB और इसमें लगा हुआ है असन भाई 128, इधर भी मैंने लिखा हुआ लेट 2013, ठीक हो गया। और ये इसकी जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पे आइएगा, ये रिटिना स्क्रीन है असन, रिटिना है ये जो डिस्प्ले, इसके अंदर कोई कार्ड वाला सिस्टम होता है इसके अंदर, डिस्प्ले एक होते है 1080, ये 1080 से डबल है, 2K है, 2K 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 सपोर्ट करता है जी असन में, ठीक हो गया। इसकी क्या कीमत होगी? ये सिर्फ और सिर्फ असल में वैसे तो ये बहुत महंगा है, लेट 2013 ये मार्केट का रेट है 65 प्लस, ये सिर्फ और सिर्फ असल भाई आपके व्यूअर के लिए मिल जाएगा कितना का, 55,000 रुपए चार्जर समेत, 55,000 का चार्जर समेत। और इसका चार्जर ये मैग्नेट वाला लगता है ना, इसको इसको मैग्नेट वाला लगता है, ये उसको फिर टाइप लगता है, इसको मैग्नेट वाला लगता है, लाइटिंग कीबोर्ड के साथ, ठीक हो गया जी। अच्छा नसीर भाई, असन भाई अभी एक दिखाता हूँ बहुत खूबसूरत चीज, किसकी पसंद की, बहुत 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 अल्ट्रा स्लिम चीज है, बहुत यूनिक चीज है असन भाई देखो। हाँ ये मैंने एक वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल जी चेक करें ना, इसका कीबोर्ड मुझे बड़ा पसंद आया तब भी। असन भाई देखो ये जिस हजरत जिस शौकीन शौकीन हजरत किसको चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीस है, एक पीस है, एक पीस ना लड़वाया करो हमारी, बस असन भाई जो किस्मत वो वाला ले लेगा ये चेक करेंगे। इसकी डिस्प्ले यार एंड लेवल इसका रिजल्ट दिया हुआ, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है इसका। असन भाई देखो ये एटम प्रोसेसर में आते हैं, अच्छा देखो एट जनरेशन, ये असन भाई 464 में आते हैं, कितने में, 4 GB और 64 GB, देखो असन भाई इसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत देखो 64 GB 464। और इसका असन भाई मजे का बात है कीबोर्ड भी टच है, कीबोर्ड इसका, इसकी आवाज बड़ी प्यारी आ रही है, देखे ना आप जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल कर, देखो असन भाई 360 टच है, पेड पेड की तरह इस्तेमाल करने है, लैपटॉप लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर, बिल्कुल अल्ट्रा असली में देखो असन भाई, बिल्कुल नीट क्लीन मशीन। सर ये कितने का देंगे ये असन भाई? या सोच के ये तो असन भाई बहुत जेन्युइन बात, ये तो हमारा अपना मर्जी, हमारा अपना मर्जी का रेट लगा तो असन भाई, ना 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 एक पीस इसलिए किसके पास नहीं पड़ा होगा असन भाई, नहीं यार ये गलत जानी ना ना करो यार, हमारे व्यूवर्स के लिए आपने खातर दवाजा करना। असन भाई आपकी व्यूवर आपकी नाजरीन के लिए मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ना करो, 42,000 रुपए का, मैं सस्ता एट जनरेशन असन भाई, अगर किसने दिए एट जनरेशन प्रोसेसर, मैंने क्यों फिफ्थ जनरेशन के रेट लगे, बात सुन ले, मैंने भी ऑनलाइन चेक कर लेना और मेरे व्यूअर ने यहाँ पे कमेंट में बता देना कि ये असन भाई मैं मॉडल देता हूँ, मैं मॉडल देता हूँ चेक करो, देखो इधर सब कुछ लिखा हुआ असन भाई, इधर देखो मॉडल सब कुछ, जिस व्यूअर नेट में चेक करो, ओलेक्स में चेक करो, इसमें चेक करने गूगल में चेक करो, डॉल्बी ऑडियो प्रीमियम इसके ऊपर जी, वॉल्यूम इसका जो आवाज वाला बड़ी जरूरत उन्होंने बताई हुई है। खैर ये मॉडल वगैरह यही मॉडल आप चेक करके मुझे आपने बताना है कि इसकी कीमत वगैरह जो 42 इसने दी है कि असन भाई देखो ये मॉडल इसके बहुत खूबसूरत है, देखो बहुत ठीक है, कीमत अब आपने 42 दे दी है ना, 42 दे दी, और असन भाई मजे का बात बताइए, और अगर मुझे ऑनलाइन कम मिला तो मैंने आपसे कम करवाना है, फिर कम करो, फ्री दूंगा, कम नहीं करो, फ्री दूंगा, देख लो खान का जुबान है तुम्हारा साथ, जबरदस्त ठीक हो, खान का आवाज है, खान का आवाज है यार। इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी होती है? असन भाई इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत बेस्ट है, इसका स्क्रीन भी छोटा है, जो सा लैपटॉप का स्क्रीन छोटा है उतना टाइमिंग ज्यादा, जितना लैपटॉप का डिस्प्ले बड़ा होता है उतना टाइमिंग ज्यादा, तकरीबन को 3 घंटे निकाल देंगे। असन भाई एक और लैपटॉप दिखाता हूँ आपको, असूस का, असूस का असन भाई जो 360 में आता है वो कम से कम 13 इंच में आता है, ये 17 इंच में 360 है, टच स्क्रीन 13 ये कितने इंच होता है आपने? ये 17 इंच में, 17 इंच में आप चेक कर सकते हो 360 में। और असन भाई इसका इसके भी डबल स्क्रीन है असन भाई, टूटेगा नहीं, टूटने का खतरा नहीं है,
جس طرح مرضی ٹچ سکرین حسن بھائی دیکھو ادھر میں نے اسپیکس لکھا ہوا ہے آئی 3-4 جنریشن 4 GB 8 GB 500 GB 17 inch میں ٹچ سکرین کتنے کا یہ حسن بھائی صرف اور صرف حسن بھائی 35,000 روپے کا سستا کر دے صرف آج کے لیے آئی 3 میں 4 جنریشن ہے یار مین چیز ہوتا ہے 360 گیمنگ پی سی ہے سارا گیمنگ میں آتا ہے وہ آپ کی بات بتائیے ہمارے ویورز کے لیے یار خاطر تو بڑے غریب غریب ویورز ہوتے ہیں یار ویور کے لیے 2000 روپے کم 2000 ڈن ہو گئے ڈن ہو گئی اچھا یار یہ ڈبل بیٹری میں پڑا ہوا ڈیل کا کون سا یہ نین سیل میں حسن بھائی دیکھو یہ بھی ہے حسن بھائی 545 i5-4 545 i5-4 8 GB 500 GB ٹھیک ہے صرف اور صرف حسن بھائی مل جائے گا آپ کی ویور کسٹمر کے لیے مل جائے گا حسن بھائی کتنے کا 32,000 روپے 32,000 روپے ویسے 14 inch کا ریٹ ہے میں نے 15.6 اور اس میں مزے کے بعد بتاؤ اس میں 9 cell کے بیٹری لگے ہوا حسن بھائی ٹھیک ہو گیا 9 cell کا اس میں اور بھی بڑھا سکتے ہیں بیٹری بڑھا سکتے نہیں 9 cell سے پلس نہیں آتے حسن بھائی 9 cell سے 6 cell اور 9 cell بیٹری آتے ہیں یار یہ کیسا لیپ ٹاپ پڑا ہوا حسن بھائی یہ والا وہ حسن بھائی یہ جو ہے بائٹ سپیڈ کو سب کچھ ایپل جیسے کیا سب کچھ لوگ ایپل جیسے بیٹ سپیڈ امریکن برانڈ بالکل سب کچھ ایپل 19-20 لیکن اس کا نام ہے بیٹ سپیڈ بائٹ سپیڈ یہ نیچے اس کے اسپیکس ماڈل والے کو چیک کروا دیتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے آپ جو آن لائن بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کی پرائس وغیرہ کیا ہوگی اب ہم بھائی سے اس کے بارے میں مزید حسن بھائی صرف سب لک اس کا ہے ایپل جیسا صرف نام چینج ہے بیٹ سپیڈ i5-8 جنریشن ہے 8 GB 256 GB ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف ناظرین کے لیے مل جائے گا حسن بھائی کتنا کا کتنے کا بولو کتنا کا میں نے تو فری لے لینا بھائی سکس جنریشن کا ریٹ پہ دیتا ہوں کتنا سکس جنریشن کے صرف اور صرف 48,000 روپے کا چارجر سمیت 48,000 آپ کے ویور کے لیے آپ کے چینل کے تھرو آ جائے گا اس کے لیے مل جائے گا انشاءاللہ ریٹ والا جو ماشاء اللہ بڑے اچھے دفعہ ملے ہیں اور حسن بھائی ایک ماڈل دکھاتا ہوں یہ والا یہ جی چیک کروائیں حسن بھائی دیکھو یہ ہے 74-50 یہ ہے i7 میں ٹھیک ہے i7 5th جنریشن لیتھیم بیٹری i7 5th 8 GB 256 GB یہ صرف اور صرف مل جائے گا 38,000 روپے کا حسن بھائی اس میں سم بھی آتی ہے اس میں سم بھی آتی ہے سم کا آپشن بھی اس میں حسن بھائی یہ جب آپ بیٹری نکالیں گے تو وہاں پہ سم بھی ہوتا ہے اور یہ ٹچ نہیں ہے ٹچ کے بنا یہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ سم بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتا ہے سم اتنی زبردست کے اندر چلتی ہے نا نیٹ کی اسپیڈ یوں بھاگتا ہے اور حسن بھائی اس کو لیتھیم بیٹری لگا ہوا ہے ایک ہوتے سیل والے اس کو لیتھیم کی بیٹری لگا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے نا ٹچ والا تو اس کے اندر نا بڑی اچھی سم لگا کے مطلب بڑا درست کام وغیرہ کرتی ہے نیٹ وغیرہ اچھا چلتا ہے حسن بھائی اس میں ٹچ والا بھی دکھا دے اگر آپ کے پاس پڑا ہو یار ٹچ والا حسن بھائی 100 میں 10% آتا ہے یہ سر دیکھو 1, 2, 3, 4 اور بھی کارٹونوں میں پڑے ہوئے 5 ماڈل ڈسپلے میں رکھے ہوئے ٹچ نہیں آئے یہ بہتر آتا ہے i5 میں حسن بھائی لیکن یہ i7 میں آیا جی 256 ٹھیک ہے حسن بھائی یار لیپ ٹاپ ہم نے کافی دکھا دیے ہیں اب آپ سے اپنے ویور سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے آخر میں دوبارہ اپنا ایڈریس کانٹیکٹ نمبر بتا دیں ہمارا ایڈریس ہے مین مری روڈ ٹھیک ہے مشہور ہے الخدمت راضی ہاسپٹل چاندنی چوک میں ہے الخدمت راضی ہاسپٹل راضی ہاسپٹل کے ساتھ ناصر سوپ والا ہے بڑا مشہور ناصر سوپ والا کے سامنے اولڈ شائن پلازا آفس نمبر 3 کانٹیکٹ نمبر بتاتا ہوں 0304-00-91-509 0335-7-53 اینڈ میں 74-74 ٹھیک ہو گئے جی دو نمبر ہمارا رابطہ کر سکتے ہو دن 11 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک خان لیپ ٹاپ جون سب ورائٹی ملے گا آپ کو مل جائے گی اور لاہور کی لوکیشن ہمارے ویورس کو پتہ ہے لاہور کا لوکیشن ہے گوگل میں جاؤ آسان لوکیشن ہے خان لیپ ٹاپ ہاؤس لاہور دے دو ہمارا لوکیشن آ جائے گا پنڈی کا لوکیشن آ جائے گا خان لیپ ٹاپ ہاؤس اور پنڈی کا لوکیشن آ جائے گا خان لیپ ٹاپ ہاؤس فیصل آباد کا لوکیشن آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بہت مہربانی شکریہ تصویر بھائی اپنا قیمتی ٹائم دیا امید کرتا ہوں ہمارے ویورس آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بڑے لیپ ٹاپ دکھانے کی کور ہے 11 جنریشن میں 5th 7th میں 10th جنریشن 8th جنریشن 6 چھوٹے لیپ ٹاپ اس طرح ہوتے ہیں کہ آج کل کے سافٹ ویئر کام وغیرہ بہت مشکل کرتے ہیں اگر کوئی بگنر ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ان کے پاس کافی قسم کے لیپ ٹاپ پڑے ہوئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ مل جائیں گے تو میری رہنمائی کے لیے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے فیڈ بیک میں ان کی پرائس وغیرہ کیسی تھیں تو اگر پرائس وغیرہ ہائی ہیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آ کے تصویر بھائی سے مزید پرائسز کے بارے میں ان سے کوشش کروں گا کہ کم کرواؤں تو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں رکھیں اللہ حافظ